हाय गाइस, मैं शांतनु, आप देख रहे हैं डैकलशन स्टूडियो में। मैं आपको पिक्सल इंस्पायर्ड थीम सजेस्ट करने वाला हूं MIUI 12 और MIUI 12.5 के लिए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। MIUI 12 या MIUI 12.5 के लिए अगर आप एक पिक्सल इंस्पायर्ड थीम सर्च करो तो आपको ये थीम एक बार ट्राई करना चाहिए। तो अगर आप उसका गूगल के फोल्डर में आइकन पैक देखें तो उसमें आपको काफी इंटरेस्टिंग टीयर ड्रॉप आइकन पैक देखने को मिल जाता है एंड्रॉइड 11 से इंस्पायर्ड। तो आप देख सकते हैं काफी इंटरेस्टिंग आपको आइकन पैक देखने को मिलता है गूगल का फोल्डर होम स्क्रीन। और अगर आप उसका होम स्क्रीन में विजिट देखें तो उसमें आपको एट अ ग्लांस इंस्पायर्ड विजिट देखने को मिल जाता है। टूल का फोल्डर में आपको सिमिलर आइकन पैक एंड्रॉइड 11 से इंस्पायर्ड टीयर ड्रॉप आइकन पैक देखने को मिल जाता है, एक भी आइकन इसका मिसिंग नहीं है। और अगर आप जाइए इसका कंट्रोल सेंटर में तो कंट्रोल सेंटर में भी आपको सिमिलर जो है एंड्रॉइड 11 से इंस्पायर्ड सभी टॉगल्स देखने को मिलता है, जो कि आप देख सकते हैं काफी इंटरेस्टिंग आपका जो कंट्रोल सेंटर देखने को लग रहा है। इसमें आपका एक भी जो टॉगल्स है वो आपको मिसिंग नहीं है, जो कि जिससे कि आपका जो है काइंड ऑफ एक्सपीरियंस या लुक खराब हो जाए थीम का। और अगर आप जाइए सेटिंग्स में तो सेटिंग्स में आपको कलरफुल टॉगल्स देखने को मिल जाता है एंड्रॉइड 11 से इंस्पायर्ड। अगर आप डार्क मोड यूज कीजिए तो आपको ब्लैक बैकग्राउंड देखने को मिलेगा, और ऑब्वियसली व्हाइट अगर आप लाइट मोड यूज कीजिए तो आपको व्हाइट बैकग्राउंड देखने को मिलेगा। बट पर्सनली मेरे को डार्क मोड के साथ काफी इंटरेस्टिंग लगा इसका कलरफुल जो टॉगल्स है वो। और अगर आप जाइएगा इसका अबाउट फोन में तो उसमें भी आपको कुछ चेंजेस ऐसा देखने को नहीं मिलता है, जैसे कि अगर आप बोलिएगा कि इसका जो है MIUI 12 का लोगो रिप्लेस करके एंड्रॉइड 11 का लोगो डाल दिया गया या पिक्सल एक्सपीरियंस का लोगो डाल दिया गया, ऐसा कुछ होता तो काफी इंटरेस्टिंग होता, बट नहीं ऐसा, तो ये काइंड ऑफ थोड़ा सा वेर्ड है। और अगर आप जाइए इसका एडिशनल सेटिंग में तो उसमें आपको देखने को मिल जाता फुल स्क्रीन डिस्प्ले में चेंजेस, जो कि आप देख सकते हैं जेस्चर जो है इसका कलर चेंज कर दिया गया। तो अगर आपको ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग जेस्चर चाहिए एंड्रॉइड 12 से इंस्पायर्ड तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। इस थीम में आपका जेस्चर भी चेंज हो गया, डायलर और मैसेजेस आप में कुछ चेंजेस नहीं देखने को मिलता अगर आप डार्क मोड यूज़ कीजिएगा। अगर आप लाइट मोड यूज़ कीजिए तो आपको जो है गूगल डायलर जैसा सेम टू सेम लुक देखने को मिल जाएगा, और बहुत जन गूगल डायलर और मैसेजेस यूज़ कर रहा है तो उसके लिए कुछ चेंजेस जरूरी भी नहीं है। और अगर आप इसका लॉक स्क्रीन देखें तो लॉक स्क्रीन में आपको जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग कस्टमाइजेशन का ऑप्शन तो नहीं, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग लुक आपको देखने को मिल जाएगा। लेफ्ट तरफ आपको जो इंपॉर्टेंट टॉगल्स वाला कुछ ऐसा कंट्रोल सेंटर देखने को मिल सकता है, जो कि आप देख सकते हैं टेलीग्राम, व्हाट्सएप, डायलर, थीम ऐप और फ्लैशलाइट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और आपको जो एट अ ग्लांस का इसमें ऑप्शन भी देखने को मिलता है, उसको आप अपने हिसाब से सेटिंग में डबल टैप करके कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इसमें आपको स्प्लैशिंग इंक स्क्रीन एनिमेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसको कि आप अनेबल कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ एनिमेशन चाहिए स्क्रीन इंक फ्लैशिंग टाइप का, तो इसमें आपको क्लॉक का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। अगर आप लाइट मोड लाइट वॉलपेपर यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपको लाइट क्लॉक, डार्क क्लॉक अच्छा लगेगा, और अगर आप डार्क वॉलपेपर यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपको लाइट क्लॉक अच्छा लगेगा। तो ऑब्वियसली वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसका लॉक स्क्रीन काइंड ऑफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, होम स्क्रीन भी अच्छा। ओवरऑल ये थीम जो है अगर आपको पिक्सल इंस्पायर्ड या गूगल इंस्पायर्ड थीम चाहिए, जो कि आपका एंड्रॉइड 11 जैसा सेम टू सेम लुक दे, तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको सिंपली ये थीम डाउनलोड करना अच्छा लगा होगा वीडियो और थीम, तो ऑब्वियसली चाहिए थीम स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए पिक्स ड्रॉप, जैसे आप सर्च कीजिए PIX ड्रॉप, तो जैसे ऑब्वियसली सर्च करने के बाद आपको ये थीम मिल जाएगा। तो सिंपली जाइए सर्च कीजिए पिक्स ड्रॉप, डाउनलोड कीजिए, अप्लाई कीजिए, इंजॉय कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को टैप कर सकते हैं, बेल आइकन को टैप कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपको और ऐसा वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टैप करने के बाद आप नोटिफिकेशन को ऑल में रख दीजिए। कोई भी सजेशन या रिकमेंडेशन तो प्लीज़ कमेंट करके सजेस्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए वेट कीजिए, और चैनल को जल्दी 40 के तक पहुँचाइए, ताकि आपको ऐसा डेली इंटरेस्टिंग वीडियोज़ जो है मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। मैं मिलता हूँ कल इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ।